अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद ये है कि हम जो है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से बच्चे जो है अपने जो उन्होंने जो सिविल इंजीनियरिंग जो जिन बच्चों ने की है डिग्रीज जो की है और बहुत टाइम से चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा है तो अपनी पढ़ाई के साथ वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एतबार से हमने कोशिश की है। कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, स्टूडेंट्स जो काम कर रहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम बाज़ाब्ता एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसका मकसद हमने किसी क्यों हमने किया है क्योंकि बच्चे जो है जिन्होंने पास आउट किया जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग को जो है पढ़ा है लेकिन उसके बाद ड्यू टू जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब अभी जो है उनकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो उस एतबार से स्टूडेंट जो है अपनी डिग्री से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि जहन में कुछ है ही नहीं, आगे कुछ एग्जामिनेशन भी नहीं है, तो उस एतबार से वो दूर होते जाते। विद द रिजल्ट उनके दिमाग में बहुत से परेशानियां आ रही है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब एग्जामिनेशन नहीं होते तो इंसान जो है चीज़ों को नहीं पढ़ पाता है। एग्जामिनेशन इज मस्ट हर एक चीज़ को जो है दिमाग में रहने के लिए दिमाग में रखने के लिए उसका जब एग्जाम लिया जाता है तो बच्चे उसे जो है उसको उस नॉलेज को बराबर जो है हर वक्त उनकी नॉलेज उससे बढ़ जाती है। तो उस एतबार से हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम बाजार पे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे जिसका हम शेड्यूल भी दिया करेंगे कि फला दिन पे आपका एक इस सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम होगा। फिर उस एग्जामिनेशन के बारे में हम क्या करेंगे कि हम उसमें एमसीक्यूज रखा करेंगे, उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम उस एग्जाम को करेंगे, तो जो ही बच्चा उस एग्जाम को देगा उसके एतबार से वो प्रिपेयर करेगा। थोड़ा बहुत उसको रहेगा कि दिमाग में कि नहीं मेरा एग्जाम आ रहा है, तो उस एतबार से जब वो उस एग्जाम को करेगा वो एग्जाम उसको बहुत फायदा देगा। सबसे पहले कि उस सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट की नॉलेज को फिर से गेन कर रहा है, याद कर रहा है क्योंकि ड्यू टू रीजंस कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लेकिन जब उसको एग्जामिनेशन का दिमाग में रहेगा तो उसको उसके लिए एतबार से मेहनत करेगा। साथ साथ फिर उसका रिजल्ट हम अपलोड करेंगे, उसको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरे कौन सा सब्जेक्ट कमजोर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एग्जाम करेंगे, जियोटेक्निक का एग्जाम करेंगे या हम स्ट्रक्चर का एग्जाम करेंगे, तो उस एतबार से डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जब हम एग्जाम करेंगे तो उससे बच्चे का क्या हो जाएगा, उसका फायदा आ जाएगा कि वो हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकता है। और इसका मकसद यही है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, मकसद यही है कि जो है हमारी जो पढ़ाई है वो हमें जो है वो हमसे उससे दूर ना जाए। दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिमाग में जब एग्जामिनेशन नहीं है, दिमाग में जब हमारे पास फ्यूचर प्लान फ्यूचर का जो है अभी दिमाग में आ ही नहीं रहा है, तो विद द रिजल्ट स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई से दूर हो रहा है। तो उस एतबार से ये इनिशिएटिव बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, इसमें यही हमारा मकसद कि जो है हर एक बच्चा जिसने भी सिविल इंजीनियरिंग की है और अभी किसी वजह से घर पे है पढ़ नहीं पा रहा है, तो उस एतबार से उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो जो है इस ऑनलाइन एग्जाम के जरिए अपनी जो इंजीनियरिंग है अपनी जो इसका सिविल इंजीनियरिंग है अपनी जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर रखे, उनके उसके कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, तो फिर एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में हम एमसीक्यूज रखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन मतलब कुछ मिनिमम 50-40 क्वेश्चन हम रखेंगे उस एतबार से, तो फिर उस किसी पर्टिकुलर डे पे उस एग्जाम को आपको हम उसके लिंक आपको हम थ्रू दिस चैनल आप इसी चैनल पे हम आपको वो देंगे, तो उस एतबार से जब उस लिंक पे आप जाओगे तो वहां से आप एग्जामिनेशन पे जाओगे और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम हम किसी टाइम तक उसको ओपन रखेंगे, फिर उस एग्जाम को आप दोगे तो उस एग्जाम के बाद ही आपको अगले दिन उसका रिजल्ट अपलोड किया जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने लाए हैं। तो उससे थोड़ा बहुत जब इंसान को जब इस चीज़ का रह जाता है दिमाग में तो वो ज़्यादा मेहनत करता है। तो उस एतबार से हमने ये चीज़ इनिशिएटिव लिया है। इसमें हम मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स है, एक है इंजीनियर वकार जो NIT वारंगल से स्ट्रक्चर MTech है और दूसरा है मेरे दोस्त इंजीनियर तुफैल जो अभी आ रहा है जो अभी रेलवेज J&K में काम कर रहे हैं एज ए इंजीनियर। तो उस एतबार से और भी मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने इस एतबार से मैं बहुत कोशिश की है, बहुत मुझे बार बार कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए जिससे हम बच्चों को जो है फ़ायदा दे सके, तो उसको मद्देनज़र रख के हमने ये चीज़ किया है। तो इसका जो बाज़ाब्ता जो इसका शेड्यूल होगा वो हम आपको इसी वीडियो में देंगे कि इसका शेड्यूल जो पहला एग्ज़ाम हम रखेंगे वो किस डेट पे होगा और वो किस सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, वो सारा आपको इसमें हम इसी जो है इस वीडियो में आपको देंगे। तो आगे जाके जो भी चीज़ें होंगी वो हम इसी वीडियो के जरिए इसी चैनल के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कोशिश अब रहिए कि इसमें बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश है कि जो बच्चे हैं तो उन एतबार से उनको फ़ायदा मिले और वो जो है अपने एग्जाम वो जो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। थैंक यू।